सो हेलो एवरीबॉडी, क्रिकेट इनसाइट की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड सारी बड़ी बड़ी खबरें। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में आपके लिए क्या है खास। दुबई के बड़े ग्राउंड में आज भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 4 मुकाबले जीत लिए हैं और वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिए हैं अपने 6 मुकाबले। फिर देखेंगे इस मैच की पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट कि पिच यहाँ पर कैसा प्ले करने वाला है और क्या यहाँ पर कोई बारिश के आसार हैं या नहीं। वीडियो में जानेंगे आज होने वाली कुछ खास बैटल्स पर जो आपके लिए ड्रीम इलेवन की टीम बनाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, और फिर देखेंगे दोनों टीम्स की प्लेइंग इलेवन की क्या क्या बदलाव के साथ उतर सकती है दोनों टीम्स, और आपको देंगे इस मैच के 5 बेस्ट प्लेयर जो आपके लिए इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सिंपल से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपको क्रिकेट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आईपीएल में इन दोनों टीम्स ने अब तक खेले हैं कुल 22 मुकाबले, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी रहा है। 13 मुकाबले जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने और 8 मुकाबले जीते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। अगर हम यहाँ पे को पिच रिपोर्ट देखें तो ये पिच एक बैटिंग पिच होने वाली है और 170 प्लस आपको आराम से देखने को मिलेगा। ये वही मैदान है जहाँ पे सनराइज़ हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ था और सनराइज़ हैदराबाद ने 220 रन मार दिए थे। मिडिल ओवर्स में यहाँ पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती है, बट अगर हम यहाँ पे को पिच को देखें तो एक काफ़ी अच्छी पिच होने वाली और अच्छा क्वालिटी स्पिनर ही इस मैच में रन रोक सकता है आपके लिए। अगर फिंगर स्पिनर्स होंगे तो वो यहाँ पे को रन लीक्स कर सकते हैं। अगर हम वेदर को देखें तो वेदर रहने वाला है 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी होगी 29% और विंड स्पीड रहने वाली 23 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब ये है कि बारिश की यहाँ पे वो कोई भी संभावना नहीं है। इस मैच में फिर एक बार चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स के बीच एक खास बैटल आपको देखने को मिल सकती है। जो सबसे पहली बैटल देखने को मिल सकती है वो होने वाली है एमएस धोनी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। एमएस धोनी का केकेआर के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। एमएस धोनी ने 22 इनिंग्स में 529 रन मारे हैं, वो भी 58.8 के एवरेज से। तो जाहिर है अगर एमएस धोनी की आज बैटिंग आती है तो वो एक अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग बैटल जो होने वाला है वो है फैफ डुप्लेसिस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। फैफ डुप्लेसिस का कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रिकॉर्ड सबसे खराब है। फैफ ने केकेआर के खिलाफ 10 इनिंग्स में 200 रन मारे हैं, वो भी 25 के एवरेज पे। सो फैफ डुप्लेसिस इस मैच में आपको ड्रॉप होते हुए दिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर को तीसरा बैटल देखें तो वो होने वाला है अंबती रायडू वर्सेज पैट कमिंस। पैट कमिंस के सामने अंबती रायडू कुछ अच्छा नहीं खेल पाते और 14 बॉलों में सिर्फ 2 रन मारे हैं, वो भी एक बार आउट हो चुके हैं। तो जाहिर है अंबती रायडू और पैट कमिंस का बैटल एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में कि क्या क्या बदलाव के साथ उतर सकती है दोनों टीम्स। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। ओपनिंग करते हुए आएंगे फैफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड। 3-4-5 पे होंगे अंबती रायडू, एमएस धोनी और नारायण जगदीशन। लोअर ऑर्डर में होंगे रविंद्र जडेजा, सैम करन और दीपक चहर, और बॉलर सेगमेंट में होंगे मिचेल सैंटनर, इमरान ताहिर और मोनू कुमार। सो ये रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। अब देखते हैं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। ओपनिंग करते हुए देखेंगे आपको शुभमन गिल और नीतीश राणा। 3-4-5 पे होंगे राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक और ओहेन मॉर्गन। लोअर ऑर्डर में होंगे सुनील नारायण, पैट कमिंस और कमलेश नगरकोटी, और बॉलर सेगमेंट में होंगे प्रसिद्ध कृष्णा, लॉकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती। सो ये रहने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11, जिनके लिए ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं वो 5 बेस्ट प्लेयर जो आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उनका नाम है एमएस धोनी, पैट कमिंस, सुनील नारायण, सैम करन और मिचेल सैंटनर। अब चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जो है कि मैच प्रेडिक्शन की कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला मैच देखें तो वो एक कन्विंसिंगली विक्ट्री के साथ आ रहे हैं, जो कि था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ, और आप इस मैच में भी उम्मीद लगा सकते हो कि चेन्नई सुपर किंग्स एक अच्छा मैच खेल सकती है। और अगर हम यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब के खिलाफ काफ़ी खराब परफॉर्मेंस के बाद आ रही है, सो उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर गिरा होगा और चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतते हुए दिख सकती है।